बीते के चौक थाना की पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनकर भागने और इमरजेंसी कॉल करने के नाम पर मोबाइल लेकर फरार होने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मोबाइल छीनने और राहगीरों को झांसे में लेकर उसका मोबाइल गायब करने का मामला लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम गठित की गई, जहां चोरी करने वाले और चोरी का मोबाइल की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व के कई आपराधिक कांडों में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार 3 आरोपी से कड़ी पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज क्रम 24 की रिपोर्ट। क्या नाम है? देखिए, दिनांक 12/2022 को जब हम रात्रि गश्ती में थे, तो रात्रि गश्ती क्रम में समय करीब 3:15 बजे के आसपास, जो दिनांक 13/2022 हो जाती है, उसमें गुप्त सूचना मिली कि जो व्यक्ति मोबाइल चोरी किया गया था वो व्यक्ति अभी अपने घर पे है। तो सूचना को सत्यापन हेतु मैं अपने गश्ती दल के साथ वाहन से मेहरीगंज थाना क्षेत्र में, उसका घर पड़ता है लोहे के पुल पश्चिमी कस्बा के पास, तो वहाँ पे मैं गया एवं मेहरीगंज थाना जो गश्ती पार्टी थी उसको संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उसके घर पे गया तो छापामारी की, तो अभियुक्त जिसका नाम बताया गया था गुप्त सूचना में, घर पे उपस्थित पाया गया। जैसे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं एक मोबाइल चौक से काटपुर नाला से जो टोटो वाले व्यक्ति था उससे मैं लेकर बात करने के लिए लिया था, जो बात करने के क्रम में मैं मोबाइल लेकर निकल गया, जो मैं इससे पहले भी ऐसा काम कहीं कर चुका हूँ। तो उनसे पूछताछ के बाद बोले कि मोबाइल, जो मोबाइल तुम लेकर भागा तो मोबाइल है कहाँ? तो उसने बताया कि मैं उस मोबाइल को एक सूरज नाम के लड़के के यहाँ पर बेच दिया, जो नून की तरह उनका घर है। तो मैं उससे बोला कि उसका घर तुम देखे हुआ? तो बोला कि हाँ, घर देखे हुए। तो उसको सत्यापन है, तो उस लड़का को अपने साथ ले करके नून के चौराह पहुँचा एवं खरेखला थाना जो गश्ती पेट्रोलिंग टीम थी उनको बुलाया, और उनके साथ में पंकज कुमार के बताए हुए स्थान सूरज कुमार के घर गया, और उनके घर की तलाशी ली तो सूरज कुमार घर में उपस्थित पाया गया। तो उनसे पूछे कि आप एक मोबाइल खरीदे हैं, जो मोबाइल आपके पास है या नहीं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं मोबाइल सूरज पंकज कुमार से खरीदा हूँ, जो मोबाइल मेरे पास नहीं है, जो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है जो रंजित फैशन में दोनों आदमी साथ मिलकर काम करते हैं, मेरी बहन की काफ़ी तबीयत खराब थी, उस समय पैसा की आवश्यकता था, तो मैं उस क्रम में अपना वो मोबाइल उनके हाथ से बेच दिया। इस कांड में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? कांड में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों को क्या जेल भेजा जा रहा है? तो इन लोगों को हाँ, जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक।